हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं ग्लोबल हेयर कलर। ग्लोबल हेयर कलर कलर स्ट्रिक्स का है, 0.6 स्ट्रिक्स हेयर कलर और 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ। हमने हेयर वॉश कर लिए हैं और 100% ड्राई कर लिए और ड्राई करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। कलर हमने उधर तैयार कर लिया है, बालों को पूरी तरीके से सुखा लिया है और अब छोटे छोटे सेक्शन लेंगे हम। छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और छोटे छोटे सेक्शन लेके देखिए कटिंग शीट भी लगा लिया, अच्छे से कटिंग शीट को अप्लाई करेंगे और अब 1 इंची का सेक्शन लिया है हमने और कलर करना स्टार्ट कर दिया है। कलर एप्लीकेशन का ध्यान रखेंगे, हमें इनके रूट्स पे नहीं करना है क्योंकि इन्होंने रूट्स पे मना करा है, तो इसीलिए सिर्फ हम लेंथ पे लगा रहे हैं, जो ब्लॉन्ड हेयर है उस पे। छोटे छोटे सेक्शन लेके कलर अप्लाई कर रहे हैं और उसे अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। मल्सिफाई करने का हर उसमें ध्यान रखना है, जब जितना अच्छे से मल्सिफाई करेंगे उतना ही कलर इवन आएगा। और ऐसे ही सेक्शन लेते जाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, कलर लगाएंगे और मल्सिफाई करेंगे, अच्छे से मल्सिफाई करेंगे और फिर दूसरी साइड से लेंगे, कलर लगाएंगे और अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। ऐसे ही मल्सिफाई करते रहेंगे और छोटे छोटे सेक्शन लेते रहेंगे, अच्छे से मल्सिफाई करते रहेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड से लेंगे, सेम लिया, कलर लगाया और पूरे बाल में उसे फैला दिया, अच्छे से मल्सिफाई कर दिया। अब एक बारी हमने क्या करा है, पूरे बालों को लेके और अच्छे से देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और दोनों साइड से ऐसे ही 1-1 इंची के सेक्शन लेते जाएंगे और कलर एप्लीकेशन करते जाएंगे। सेक्शन लेते रहेंगे बार बार, एक बार इधर से और एक बार इधर से और कलर लगाएंगे और अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। ऐसे थोड़े बड़े सेक्शन भी ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि कलर एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर के बालों में हो जाए और ये जो बीच में बाल हो उनमें ना हो, तो फिर कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखें कि कलर करने के बाद, लगाने के बाद मल्सिफाई अच्छे से होनी चाहिए। देखिए इतन इवन कलर आ रहा है, अगर हम अच्छे से मल्सिफाई नहीं करेंगे तो कलर इवन नहीं आएगा। अभी अच्छे से कलर लगाया, अच्छे से मल्सिफाई करा, देखिए बहुत बड़ा सेक्शन नहीं लिया हुआ है। अगर बड़ा सेक्शन लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से मल्सिफाई करना होता है और ज़्यादा, और पतले में एक ही बारी में हो जाता है। देखिए कितनी जल्दी फिनिश हो गया, लेकिन थोड़े टाइम के हिसाब से सेक्शन लेने हैं। थोड़े सेक्शन अगर बड़े भी करेंगे तो अच्छे से कलर लगाएंगे और अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। मैंने जैसे कि पीछे भी बताया कि कलर लगाओ और अच्छे से मल्सिफाई होना चाहिए, यानी कि पूरे बालों में अच्छे से लगना चाहिए तो कलर इवन आएगा। दोनों साइड से ऐसे ही करते जाएंगे, एक एक सेक्शन के लिए, सेक्शन देने के लिए हमने हैप्पी हुई है स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये क्लास ही चल रही है तो क्लास में ही हम उन्हें कलर एप्लीकेशन ग्लोबल हेयर कलर बता रहे हैं। डिमांड थी किसी की रेड कलर की, तो उसी को देखते हुए कराया। अब अच्छे से हम इनमें कॉम कर रहे हैं, कॉम से जो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं उनमें कम करना है, लेकिन मल्सिफाई करने के लिए मोटो कॉम लेके और हम कंघी कर सकते हैं, अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। अब हमने बैक साइड ये कंप्लीट हो चुका है, अब हमने दूसरी साइड लगाना स्टार्ट कर दिया है।
रूट्स में हम नहीं गए हैं क्योंकि इन्हें अपना रूट्स डार्क ही चाहिए था और ग्रे हेयर इनके है नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं था। अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। अच्छे से मल्सिफाई करेंगे, मल्सिफाई करेंगे। ये साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमें कलर कम लग रहा है तो हल्का सा लगाएंगे और वापस से मल्सिफाई करेंगे। ये भी कंप्लीट हो चुका है। और छोड़ देंगे मल्सिफाई करके, कलर चेक करेंगे कहीं रहता नहीं। देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है। और अब इन्हें पीछे की तरफ छोड़ देंगे। दूसरी साइड से भी हमारे दो सेक्शन क्लियर हो चुके हैं। और अब दूसरी साइड से हमने कलर एप्लीकेशन मल्सिफाई, अच्छे से मल्सिफाई करेंगे। ध्यान रखें कलर लगाने के बाद अच्छे से मल्सिफाई करना है। जितने अच्छे से मल्सिफाई करेंगे उतना ही कलर ही बनाएगा। और दूसरा सेक्शन लेंगे, ये लास्ट सेक्शन है। अच्छे से इस सेक्शन पे कलर लगाएंगे। फ्रंट के बाल वैसे भी थोड़े ड्राई रहते हैं क्योंकि पानी में बार बार भीगते रहते हैं जब फेस वॉश करते हैं, तो हमारा आगे के बाल ज़्यादा भीगते तो थोड़े रफ हो जाते हैं और पतले भी हो जाते हैं। तो अब हमने कलर को 25 मिनट बाद शैम्पू स्टेशन पे हम ये ले गए हैं और हमने इन्हें वॉश करने के लिए। अभी क्या कर रहे हैं, हम कलर को मल्सिफाई कर रहे हैं। हल्का सा पानी डाल के कलर को मल्सिफाई कर रहे हैं। ये देखिए कलर, देखिए कमेंट में ज़रूर बताएं कलर कैसा लग रहा है, किस किस को ये कलर पसंद है ज़रूर बताएं। ये कलर देखिए। अब उसके बाद हमने बालों को धो लिया है, मास्क भी लगाया था। मास्क लगाने के बाद अभी ने टेंगल फ्री करा है और 100% ड्राई भी करेंगे। देखिए ये लुक था इनका, पहले ब्लॉन्ड हेयर थे और अब है इनका ये कलर। तो गाइस ज़रूर बताएं कैसे लग रहे हैं, किस किस को पसंद है ये भी बताएं, कमेंट करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।